नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसी कहानी जिससे आप और मैं कुछ ऐसी बातें सीखेंगे जिन्हें हम अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करके अपनी लाइफ की इस जर्नी को बेहतर बना सकते हैं। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगे तो मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज की इस कहानी से कुछ अच्छी बातें सीख सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए इस कहानी को, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पुराने समय में एक राजा था, उसके 3 बेटे थे। राजा बूढ़ा हो चुका था तो उसने सोचा कि राजकुमारों को लाइफ के इम्पॉर्टेंट लेसन्स सिखाने चाहिए, ताकि वो आगे चलकर राजपाट को अच्छे ढंग से चला सकें। एक दिन राजा ने अपने 3 राजकुमारों को अपने पास बुलाया और कहा कि हमारे राज्य में नाशपति यानी पियर फ्रूट का कोई पेड़ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि तुम तीनों 4-4 महीने के गैप में दूसरे राज्यों में जाओ इस नाशपति के पेड़ को ढूंढने के लिए, और इस नाशपति के पेड़ की जानकारी लेकर आओ। अपने पिता की बात मानकर 3 राजकुमारों ने अलग अलग मौसम में 4-4 महीने दूसरे राज्यों में जाकर नाशपति के पेड़ की खोज की। एक साल बाद राजा ने फिर से अपने 3 बेटों को अपने पास बुलाया और नाशपति के पेड़ के बारे में पूछा। बड़े बेटे ने कहा, नाशपति का पेड़ बिल्कुल सूखा था, उस पर फल और पत्तियां नहीं थे। इस पर दूसरे बेटे ने कहा, नहीं भाई, नाशपति का पेड़ तो हरा भरा था। हाँ, पर उस पर कोई फल नहीं लगा था। तीसरा राजकुमार बोला, नहीं भाइयों, आप दोनों गलत बोल रहे हैं। मैंने नाशपति का असली पेड़ देखा है। नाशपति का पेड़ हरा भरा भी था और उस पर फल भी लगे थे। 3 राजकुमार अपनी अपनी खोज को सही बताने लगे। विवाद बढ़ने लगा तो राजा ने 3 राजकुमारों से शांत रहने के लिए कहा। राजा ने कहा कि आप 3 राजकुमार नाशपति के पेड़ के बारे में सही बात कर रहे हैं। मैंने आप 3 को अलग अलग मौसम में नाशपति का पेड़ ढूंढने के लिए भेजा था, इसी वजह से आप 3 ने नाशपति के पेड़ की अलग अलग कंडीशन देखी है। राजा ने कहा कि मैं आप 3 को अपने दिए गए इस टेस्ट से 3 बातें समझाना चाहता हूँ। पहली, अगर आपको किसी के बारे में सही और पूरी जानकारी चाहिए तो उसके बारे में लंबे वक्त तक रिसर्च करनी चाहिए, लंबे वक्त तक उस पर नज़र रखनी चाहिए। दूसरी, दूसरों की बात पर भी ध्यान दें, सिर्फ हम ही सही हैं ये मानना गलत है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को भी समझना चाहिए। तीसरी बात, मौसम हमेशा एक सा नहीं रहता। जिस तरह एक पेड़ की अलग अलग मौसम में अलग अलग कंडीशन रहती है, ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी सुख और दुख का आना जाना लगा रहता है। ये 3 बातों का ध्यान रखेंगे तो कभी भी लाइफ में ज़्यादा देर तक परेशानियों से उलझेंगे नहीं, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को आसानी से हल किया जा सकता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरे आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलें। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले वीडियो में।